जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों के लिए 10-10 से सभी सब्जेक्ट का लेकर आ रहा हूं, तो आज मैं साइकोलॉजी का यानी सेट वन लेकर आया हूं, बिकॉज जो है बहुत सारे स्टूडेंट साइकोलॉजी के बारे में कमेंट किए थे। तो आज की इस वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से इस वीडियो को देखेगा, ठीक है। और आप लोग अगर 10 सेट चाहते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक जरूर कर लीजिएगा वीडियो को। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो आप लोग फटाफट से जवाब दे दीजिएगा, नहीं तो मैं पूरे तरीके से आप लोग को बताते जा रहा हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, एक नंबर का, तो सी नंबर यानी क्या होगा, यानी सेल्वे तथा मेयर ने किया था, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। तो दूसरा नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर का, बी नंबर में क्या होगा, यानी टर्मन ने कहा था, ठीक है, टर्मन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ। तो यहाँ पर तीसरा का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर 1964 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक के बुद्धि कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो यहाँ पर चौथा का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो चौथा नंबर का राइट आंसर बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा, यानी क्या होगा, परिचयनात्मक कौशल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए फटाफट से, तो यहाँ पर पांचवा का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो सी नंबर, सी नंबर में क्या है, यानी दूसरे की यानी धमकी देना, ठीक है, दूसरे को धमकी देना, ये क्या है करेक्ट आंसर, सी नंबर हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके भी पढ़ सकते हैं दोबारा से। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वुंट कहाँ के रहने वाले थे। तो वुंट जो है कहाँ के रहने वाले थे, तो यहाँ पर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोल आप लोग को, तो 6 का करेक्ट आंसर सी नंबर, सी नंबर में क्या है, जर्मनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, कि गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया। तो यहां पर क्या होगा, 7 का करेक्ट आंसर डी नंबर, यानी 8 प्रकार के बुद्धि का पहचान किया था, ठीक है, किया है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है, तो कितनी श्रेणी है, तो 8 का करेक्ट आंसर डी नंबर का, 3 श्रेणी में रखा गया है, 3 श्रेणी है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस अभि क्षमता को MST के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर, सी नंबर में क्या होगा, यानी ऑर्ड सर्विसेज अभिक्षमता करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से वीडियो को देखेगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे विशिष्ट बालक नहीं है। तो निम्नांकित में जो है विशिष्ट बालक नहीं है, तो कौन नहीं है, तो यहाँ पर 10 का करेक्ट आंसर बी नंबर, यानी सामान्य बालक है, विशिष्ट बालक नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन जो प्रतिबल का स्रोत नहीं है, तो 11 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर क्या होगा, यानी सामाजिक प्रतिबल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा, यानी आत्मविवरण आविष्कारिका, ठीक है, करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी है, तो कौन अग्रणी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 13 का, तो 13 का करेक्ट आंसर जो है जल्दी से बोल सकते हैं, तो 13 का देख लेते हैं हम लोग क्या है, तो सी नंबर क्या होगा, ऑल पोर्ट करेक्ट आंसर होगा, क्या सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है। तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो 14 का राइट आंसर सी नंबर, यानी क्या होगा, गोलाकार होता है, ठीक है, गोलाकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 100 का एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोल सकते हो, तो सी नंबर, सी नंबर क्या है, सामाजिक 100 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पूरी तरीके से अगर आप लोग सारे वीडियो को देख लेंगे, जितने भी सारे मैं सेट लेकर आने वाला हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और देखिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कहां पर आप लोगों को इसका PDF मिलेगा, वो भी बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है, किसने आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 16 का राइट आंसर ए नंबर, ए नंबर में क्या होगा, फ्राइड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नांकित में 100 का संज्ञात्मक पहलू है। तो निम्नांकित में 100 यानी 100 का यानी संज्ञात्मक पहलू है, तो कौन सा होगा, तो 17 का करेक्ट आंसर डी नंबर, डी नंबर में क्या होगा, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि व्यक्ति का विशेषक सिद्धांत डैश द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, तो 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोल सकते हैं, तो 18 का राइट आंसर डी नंबर, डी नंबर में क्या होगा, यानी कैटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बड़े पंच में निम्नांकित
निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो यहाँ पर क्या होगा 19 नंबर का, तो 19 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, यानी प्रभुत्व को यानी बड़े पंच में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। करके निम्नलिखित में कौन आत्मनियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है? तो यहाँ पर फटाफट से आप लोगों को बोलना है 20 नंबर का, तो 20 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, डी नंबर में ऊपर सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादित किया? तो प्रतिपादन किया, तो यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोल सकते हो, 21 नंबर का राइट आंसर सी नंबर, सी नंबर में फटाफट से आप लोग को देखना है क्या है सी नंबर में, यानी क्या होगा एडलर, एडलर एवं युग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता होती है, तो एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता क्या होती है? तो 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर, डी नंबर इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है। करेगी देखिए ये क्वेश्चन तो पूछा जाने वाला है नहीं, इसको पढ़ना बेकार है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों पर फोकस होता है? तो किस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों पर फोकस होता है? तो 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बता सकते हैं, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का, सी नंबर क्या होगा यानी जनद्रिया अवस्था हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि यहाँ पर एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशिष्टता होती है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी नंबर का, नहीं क्या होगा अपर्याप्त भोजन से वजन की कमी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था बेकज, इसलिए आप लोग भी देख लीजिएगा ना, टफ लगेगा आप लोग भी पहली बार। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि फ्राइड के अनुसार ऑडिपस की अवधि में चालक प्रतियोगिता करता है, तो किस में करता है, किसके किसके साथ करता है? तो यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर, डी नंबर क्या है यानी पिता के साथ कर यानी करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दरी का प्रयोग किया जाता है? तो किस दरी यानी दूरी होना चाहिए, दरी नहीं होगा, तो यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर बी नंबर, बी नंबर सामाजिक दूरी प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि हाइपोथैलेमस कितने माध्यम से प्रारंभ करता है? तो हाइपोथैलेमस जो है कितने माध्यम से प्रारंभ करता है? तो यहाँ पर हमारा 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोल सकते हो, 28 का बी नंबर यानी दो प्रकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि तनाव के कई कारण होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है, उन्हें कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर क्या, बी नंबर, बी नंबर है प्रतिबालक कहा जाता है। ठीक है, प्रतिबालक कहा जाता है, ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा, कह रहा है कि भीड़ो या भागो अनुक्रिया का संबंध है, तो भीड़ो या भागो अनुक्रिया का संबंध क्या होता है? तो इसका करेक्ट 30 नंबर का क्या होगा, जल्दी से बोल सकते हैं, मैंने बी नंबर यानी क्या होगा कैनन, कैनन से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, करेंगे किस मनोवैज्ञानिक ने दबाव का सामना करने हेतु संकल्पना निर्धारण एक गत्यात्मक प्रक्रिया के रूप में है यानी किया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 31 का क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेगा, तो सी नंबर यानी क्या हो जाएगा यानी लेजारस तथा क्या होगा फोकमैन, क्या होगा फटाफट से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए अगला क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, करेंगे निम्नलिखित में से कौन संघर्ष क्षमा समाधान युक्ति है? तो यहाँ पर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो डी नंबर, डी नंबर इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है, कह रहा है कि असामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में अंतर होता है, तो क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, सी नंबर में क्या है गुण का अंतर होता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की विधि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा यानी डी नंबर, डी नंबर क्या होगा यानी मनोगृहस्थी बाध्यता कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नलिका वाहिनी ग्रंथ का नाम है, तो क्या है? तो इसका देखिए फटाफट से बोलिएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर होगा यानी एंड्रिल ग्रंथि, क्या होगा एंड्रिल ग्रंथि करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? तो यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 36 का राइट आंसर डी नंबर, सॉरी क्या होगा जल्दी से बोल सकते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर डी नंबर होगा नहीं क्या होगा विवाह विच्छेद कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर से कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन मनोविदालितों का एक प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर क्या होगा 37 का, जल्दी से बोलिए, ए नंबर यानी क्या होगा यानी विघटित मनोविदालिता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, करेंगे निम्नलिखित में से कौन निकोटीन का या निकोटीन की श्रेणी में आता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 38 नंबर का क्या होगा, तो 38 का राइट आंसर सी नंबर का यानी तंबाकू जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला, करेगी मेस का
लाइन, मेस्का लाइन एक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या 39 का ए नंबर होगा, यानी क्या होगा, यानी विप्रति उत्पादक है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे, निम्नलिखित में कौन काय आलंबिता विकार के लक्षण नहीं है? तो यहाँ पर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिए, तो 40 नंबर का ए नंबर, ए नंबर क्या यानी खूब खाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि सामान्य असामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल का अंतर होता है, तो क्या होता है? तो यहाँ पर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, ए नंबर में क्या होगा यानी मात्रा का दूरी, ठीक है, क्या होगा, सॉरी मात्रा का दूरी नहीं है, मात्रा का क्या अंतर होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि DSM-4 में कितने आयाम है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो 42 का करेक्ट आंसर ए नंबर, ए नंबर में क्या है यानी 5 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो गूगल में आने के बाद आप लोगों को टाइप करना है bbphelp.com, जिस तरीके से मैं यहाँ पर टाइप किया हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, देख लीजिए bbphelp, ठीक है, .com टाइप कर दीजिएगा, उसके बाद सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के अब यहाँ पर देखिए सारा सब्जेक्ट का आप लोगों को, जैसे कि अगर हिंदी का पढ़ना है या फिर जो किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप किसी भी सब्जेक्ट के नीचे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर क्लिक है, क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोग को बेल आइकन दबा देंगे तो जब भी हम नोटिफिकेशन या फिर किसी भी चीज़ को डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा, हाँ कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए सारा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा आप लोग। मान लीजिए कि अगर मुझे क्या पढ़ने हैं, मुझे पढ़ने हैं यानी म्यूज़िक पढ़ने, तो म्यूज़िक के सामने में क्लिक करेंगे, यहाँ पर खोल लेना आप लोग को, खोल के देखिए नीचे में आना है, नीचे देखिए यहाँ पर आप लोग को लाइनिंग करके मिल जाएगा साइकोलॉजी, उसके बाद सोशियोलॉजी यानी इकोनॉमिक्स, उसके बाद है म्यूज़िक, जहाँ पर म्यूज़िक पढ़ने, तो म्यूज़िक का हमको सेट वन पढ़ने हैं, सेट वन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के अब यहाँ पर देखिए नीचे आते जाएंगे देखिए यहाँ पर से सारा कंटेंट आप लोग को मिल जाएगा, और नीचे आंसर दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग पूरी तरीके से पढ़ करके, अगर मान लीजिए दूसरा मॉडल पेपर पढ़ना है, देखिए सारे मॉडल पेपर को पढ़ने के बाद अब मान लीजिए मुझे दूसरा मॉडल पेपर पढ़ना है, तो दूसरा मॉडल पेपर के क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करना, दूसरा मॉडल पेपर क्लिक करें तो डायरेक्टली आपको दूसरा मॉडल पेपर क्लिक लेकर आ जाएगा, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। और बाकी ऑनलाइन टेस्ट कैसे देंगे, ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप लोग को बाहर आना है, बाहर आने का यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, देखिए नीचे आते जाना है, नीचे आएंगे यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें, तो अब ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें तो यहाँ पर आप लोग को क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ से आप लोग सारा कंटेंट मिल जाएगा, यानी सारा ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको, अपना सब्जेक्ट चूज करके यहाँ पर से पढ़ सकते हैं, यानी टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना कमेंट करके बताइएगा कि अगला जो है यानी वीडियो किस विषय का आना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज का वीडियो इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।